स्टूडेंट्स, पिछली दफ़े हमने जनसंख्या के स्थानांतरण के बारे में जाना था और उसके प्रकारों के बारे में, स्पेशली पुल फैक्टर्स एक बार और दूसरे दिन हमने पुशिंग फैक्टर्स देखे थे। आज हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंटरनल माइग्रेशन, मतलब किसी एक देश के भीतर ही माइग्रेशन क्यों होता है। तो उसके पीछे निम्नांकित कारण हैं। पहला है जनसंख्या का भूमि पर दबाव, भूमि का मूल्य, सामाजिक परिस्थितियाँ, जाति धर्म संघर्ष, पारिवारिक व्यवस्था, विवाह, ऋणग्रस्तता तथा निम्न आर्थिक स्तर और प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव और नगरीय औद्योगिक नगरों का पलायन। ये मेजरली जो डिवाइड हैं ज्योग्राफर्स के द्वारा, 8 बिंदु हैं जो आंतरिक माइग्रेशन को या किसी राष्ट्र के अंदर होने वाले माइग्रेशन को प्रभावित करते हैं। जैसे बच्चों, डोनाल्ड वोग प्रोफेसर ने कहा कि जब कोई व्यक्ति राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर अपने मूल निवास स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर रहने लगता है तो ऐसे प्रवास को हम इंटरनल माइग्रेशन या आंतरिक प्रवास कहते हैं। यह अंतर्गमन, अंतर प्रवास या अंतर देशांतरण, इन माइग्रेशन कहलाता है। इंग्लिश में देख लीजिए, अ पर्सन हु आफ्टर लीविंग हिज ओरिजिनल प्लेस और बर्थ प्लेस बिंग्स टू लिव इन अनदर प्लेस, इन दैट केस सच माइग्रेशन इज कॉल्ड इंटरनल माइग्रेशन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इन माइग्रेशन और इंटर माइग्रेशन। तो बच्चों, जो इंटर माइग्रेशन है, इसमें आउट माइग्रेशन होता है जब व्यक्ति किसी दूसरे जगह पर अपने मूल स्थान से बसता है। जैसे कि मेरा मूल स्थान है उत्तराखंड और मैं आई हूँ राजस्थान में, तो ये आउट माइग्रेशन है। और दूसरा, दूसरी तरह से ये हो सकता है कि जब व्यक्ति अपने मूल स्थान के लोगों द्वारा वही प्रवास या अन्यतर स्थान अर्थात बसने वाले स्थान के लोगों द्वारा अंतर प्रवासी या इन माइग्रेंट कहलाएगा। जब वो ऐसा व्यक्ति अपने मूल स्थान को छोड़कर अन्यत्र बसने की दृष्टि से देखा जाए तो तब उसको हम इन माइग्रेशन कहलाएंगे। और मेरा जो आउट माइग्रेशन है वो है मेरा जॉब, है ना। तो ये ऐसे बहुत सारे लोग हैं और इनकी भी कैलकुलेशन अपन आराम से पता कर सकते हैं। और ये होती है, जो लोकल बसें चलती हैं, ट्रेन्स चलती हैं, लोकल फ्लाइट्स हैं, रीजनल फ्लाइट्स, इन सब के आधार पर हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक सप्ताह में या एक दिन में या एक महीने में या एक साल में कितना माइग्रेशन हुआ। पर अभी तो हम सिर्फ कारकों की बात करेंगे। तो बच्चे, जब क्या होता है कि लैंड पर प्रेशर होता है, यानी जैसे आप हिंदुस्तान की बात करें तो जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, मेगापॉलिटन सिटीज़, इलियोपॉलिटन सिटीज़ हैं, उनमें छोटा सा पीस ऑफ लैंड, यानी 25x25, 50x50, 100x100, ये स्क्वायर फीट लैंड जो है बहुत एक्सपेंसिव होती है। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक तो वहाँ के लोकल, जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनके संख्या होती है, और दूसरा इन सर्च ऑफ जॉब, बिजनेस और सोशल और जितने भी अदर एस्पेक्ट्स हैं, उसके ज़रिए जब आदमी उस एक स्थान विशेष पर आकर रहने लगता है तो उस स्थान विशेष की कीमत बढ़ जाती है, प्राइस बढ़ जाता है। और ये अत्यधिक जनसंख्या के दबाव के द्वारा या नंबर ऑफ पीपल का प्रेशर हो जाता है उस क्षेत्र पर, तो वो एकदम, तो अब ऐसा यहाँ पर ऐसा है बेटा, जहाँ जनसंख्या का दबाव बहुत कम हो, भूमि उत्पादन के लिए आसानी से सुलभ हो और भूमि सुधार की संभावना हो, तो ऐसी जगह पर लोग बसना शुरू आते हैं। जैसे आजकल जो बड़े बड़े सिटीज़ से लोग माइग्रेंट ओरिएंट टूवर्स आउटसाइड, आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटीज़, बाहरी क्षेत्रों पर, परिसीमित सीमांकित क्षेत्रों पर, नगर की परिसीमन जो होता है उसके बाहरी क्षेत्रों में जाकर के लोग रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब यातायात के साधन या सड़कें वगैरह, ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है बहुत आसानी से कनेक्टिविटी होने के कारण आसान हो गया है परिसीमन क्षेत्रों में रहने का। अब सेकंड बिंदु है लैंड वैल्यू। बच्चों, लैंड का वैल्यू इतना बढ़ गया है कि लोग उसको परचेस करने में कैपेबल नहीं है, उनकी कंडीशन इतनी ठीक नहीं है। सस्ती भूमि की ओर लोग, यानी वही आउटसाइड ऑफ द एरिया, ये नगर के भीतरी भाग से बाहरी भाग की ओर जा रहे हैं ताकि रिहायशी भूमि का मूल्य लोगों को उनकी जो क्रय शक्ति है उसके अंदर ला सके। यानी क्रय शक्ति मतलब इतना सस्ता मिले कि वो उनकी जेब अफोर्ड कर सके। क्रय शक्ति के बाहर जो आंतरिक मूल्य हैं, आंतरिक शहरी भाग में जो मूल्य जाते हैं, उसको लोग दूर करने के लिए
शहरों के बाहर जा रहे हैं। तीसरा बिंदु है सामाजिक परिस्थितियां एवं जाति धर्म संघर्ष, सोशल कंडीशंस एंड कास्ट रिलीजन कॉन्फ्लिक्ट्स। अब हमारे देश में तो छुआछूत, वर्ग संघर्ष, जाति संघर्ष, धार्मिक भिन्नता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ये सब है ना। इन सारी बुराइयों के कारण लोग अपने एक गुट में न रह करके नगर के बाहरों की तरफ जा रहे हैं, जहाँ उनको अन्य जाति समाज के लोग मिलें या अपने से पढ़े लिखे लोगों का वर्ग मिले वहाँ, या इकोनॉमिकली जो साउंड है उनके आसपास जाएं, या रिलीजियसली जो साउंड है उस आधार पर वो अपने उन लोगों के साथ में दौड़ रहे हैं और नगरों की तरफ, नगर के बाहर आंतरिक भाग से बाहर की तरफ की जा रहे हैं, या जिस शहर में वो रह रहे हैं उस शहर से अन्यंत्र शहरों की तरफ वो बस रहे हैं। तो कहने का मतलब जो हमारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं उनमें तो ये चीज़ है, और डेवलप कंट्रीज़ में इकोनॉमिकल डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है, आर्थिक असमानता बहुत ज़्यादा है, और माफियाज़ हैं, इंडिविजुअल जो दुश्मनियाँ हैं उन सबको, उन सब से बचने के लिए लोग जो सब अर्ब एरियाज़ हैं, सब अर्बन या अर्ब सब अर्ब एरियाज़ जो हैं उनमें जा कर के बस रहे हैं। चौथा बिंदु है फैमिली स्टेटस। अब फैमिली सिस्टम, पारिवारिक व्यवस्था में बच्चों क्या होता है कि पहले ज़माने में क्या होता था, एक ही जगह पे सब लोग रहना शुरू कर देते थे, एक ही कमरे में चार फैमिलीज रह रही हैं। अब जब से लिटरेसी बढ़ी है, रेट ऑफ लिटरेसी बढ़ी है, लोगों का अपने परिवार से बाहर की तरफ जाकर जॉब करना प्रारंभ किया, तो इस पारिवारिक व्यवस्था को तोड़कर लोग पारिवारिक कलह के कारण जो परिवार टूट रहे हैं उसकी वजह से भी लोग बाहर जा कर के रह रहे हैं। तो आर्थिक कारक भी होता है इसमें, और पारिवारिक कारक जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जिससे कि शिक्षा व्यवस्था, नई नौकरी, नया क्षेत्र, और इस तरह से पारिवारिक व्यवस्था, ये फैमिली सिस्टम टूट रहा है और लोग माइग्रेंट हो रहे हैं इंटर स्टेट में, इंटर नेशन में, है ना। अब है विवाह। पहले बच्चों क्या होता था हमारे यहाँ, तो जैसे विवाह एक बहुत ही पायस इंस्टीट्यूशन है, बहुत ही प्योर सोल इंस्टीट्यूशन माना जाता है। एक निश्चित समय पर निश्चित लड़का लड़की का विवाह होता था, जिससे कि वो अपने पैतृक जगह पे रहते थे, और अब क्या है कि अपने पैतृक स्थान को छोड़कर आदमी नौकरी की तलाश में या अपना इंडिविजुअल फैमिली, एक सिंगल यूनिट फैमिली की तरफ बढ़ रहे हैं लोग, तो जॉइंट फैमिली के साथ ही अपनी मेन जो फैमिलीज़ हैं उनके साथ ना रह करके उस शहर से, उस स्थान से बाहर की तरफ जाकर निवास कर रहे हैं। अब है उसके बाद ऋणग्रस्तता, निम्न आर्थिक स्तर, जो लोगों के अंदर जो ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास की संभावनाएं कम होती हैं, तो यहाँ पर लोग लोन्स बहुत देते हैं, लोन्स लेकर के वो अपने खेती के लिए, बीजों के लिए, इक्विपमेंट्स के लिए, या अपना कोई बिजनेस डालने के लिए लोन लेते हैं। परंतु ऐसी जगहों पे क्या होता है कि लोग जब छोटी जगह पर तो छोटे कम खर्चे होते हैं, तो वहाँ तो वो आसानी से रह जाते हैं, पर अब क्या है लोगों के अंदर, और ऑलमोस्ट ये जो औद्योगिक क्रांति आई है या दूर संचार की क्रांति आई है, कह लीजिए कि जो नेट है, मोबाइल सर्विसेज हैं, इनमें यूथ इतना फंस गया है, इतना उलझ गया है कि हर दूसरे चार पाँच महीने बाद उनको एक नया हैंडसेट या नया टेक्नोलॉजी वाला मोबाइल चाहिए। तो कहने का मकसद, उन्होंने अपने खर्चों को बढ़ा दिया है तो, और इसलिए वो गांव में रहना नहीं चाहते, वो गुजर बसर कर लेंगे। 12 पढ़ा हुआ भी है या BA पढ़ा हुआ भी है तो रिक्शा चला लेगा, छोटी मोटी फैक्ट्री में काम कर लेगा, पर उसको नौकरी चाहिए। दे डोंट वॉन्ट टू डू वर्क ऑन देयर फील्ड्स। तो कहने का मकसद, इन सब कारणों के कारण भी आदमी नगरों की ओर पलायन करता है। अब है प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव, इफ़ेक्ट्स ऑफ नेचुरल क्लाइमेटीज़। हमारे यहाँ तो देखिए आप, इतनी तरह की क्लाइमेट्स हैं, मानसूनी क्लाइमेट को तो हमने एक तरह से बांध दिया, हमारे यहाँ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट भी है, हमारे यहाँ ड्राई क्लाइमेट भी है, हमारे यहाँ आप मेरा थर्ड ईयर ज्योग्राफी का जो क्लाइमेट का डिवीज़न चैप्टर है वो पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं नेट पे। तो कहने का मतलब इतनी टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स हमारे यहाँ, हिमालयन क्लाइमेट है ठंडी, तो पर इन सब क्लाइमेट्स के अपने अपने प्रभाव भी हैं। हमारे यहाँ अर्थक्वेक्स बहुत आ रहे हैं, आंधी तूफान बहुत आ रहे हैं, सी वेव्स में आपका हो रहा है, अतिवृष्टि हो रही है, पहाड़ों में बादलों का फटना हो रहा है। तो कहने का मतलब आदमी कुल मिलाकर के हर तरफ से जो इन व्यवस्थाओं हैं प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए सुरक्षित स्थान ढूंढता है और सुरक्षित स्थानों पर जा कर रहना पसंद करता है। जैसे हमारे
मई 2000 में गुजरात में सूखे के प्रभाव के कारण लोगों ने उस स्थान को छोड़ा। फिर आपका जो अर्थक्वेक आया बहुत गुजरात का, उसकी वजह से ऐसे ही आपके फिलीपींस, थाईलैंड, इसमें बाढ़ बहुत आती है, चाइना का सदर्न पार्ट, सिक्किम में भूकंप बहुत आते हैं, और मेक्सिको के अंदर निकारागुआ वगैरह में भूकंप बहुत आते हैं। ये सारी जगहों से आदमी सुरक्षित स्थानों पर जाकर रहना प्रारंभ करता है। अब बच्चों, सबसे इम्पॉर्टेंट इस सेंचुरी का जो फीचर है जिसने इंटर माइग्रेशन या इन माइग्रेशन को प्रभावित किया है, वो है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल टाउन्स। हमारे यहाँ इतने औद्योगिक नगर बस गए, जैसे मैं कहूँ मोदीपुरम मेरठ के पास, नोएडा दिल्ली के पास, रानीपुर और फरीदाबाद, लोनी, गुड़गांव या गुरुग्राम से चीन, पीचिंग, बीजिंग, सारे आप देखिए वर्ल्ड के अंदर जितने भी, क्योंकि ये तो सिंपल फिनोमेना है अर्बन थियरी का कि नगर बसता है तो नगर के साथ साथ कंट्री माल सनी नगर भी होते हैं जिनमें सुविधाएं उतनी ही प्रभावकारी होती हैं, उतने ही उनमें यातायात के फास्ट साधन होते हैं। तो कहने का मतलब कि नगरों के साथ साथ सबर्ब उपनगर भी बसते हैं, सनी नगर बसते हैं, तो उन नगरों के बसने के कारण ये सब कैसे पॉसिबल हुआ, ये सब औद्योगिक विकास के कारण पॉसिबल हुआ है। इसलिए लोग नई नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के कारण नए नगरों की तरफ जाते हैं और वहाँ जा कर के एक उपनगर बस जाता है जहाँ उनको सारी औद्योगिक सुविधाएं के साथ साथ आर्थिक सुविधा भी मिलती है, जीवन स्तर को बढ़ाने की सुविधा मिलती है, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं मिलती हैं। तो कहने का मतलब बच्चों, ये सारे कारक हैं जो आपको औद्योगिक जो हमारा विकास है वो आपके इनर या इंटर माइग्रेशन को या आंतरिक स्थानांतरण को प्रभावित करते हैं। अब बच्चों, मैं ये बात आपको बता चुकी हूँ कि इंटर स्टेट माइग्रेशन होता है एक जेस से दूसरे, जैसे हमारे राजस्थानी तमिलनाडु में बहुत बस गए हैं, या बंगाली आपके बिहार आसाम में बस गए हैं, या बिहारी आपके दिल्ली में बस गए हैं, ये पंजाब में बस गए हैं। तो ये होता है अंतर्राज्यीय प्रवास, ये आंतरिक प्रवास का एक पैरा प्रकार है। दूसरा है एक गाँव से दूसरे गाँव, छोटे गाँव से बड़े गाँव, या पास में जो सुविधा मिल गई वहाँ बस गए, माइग्रेशन फ्रॉम रूरल टू रूरल एरिया, है ना। देन ग्राम से नगर की ओर प्रवास, जो मैंने आपको बताया, और नगर से नगर को प्रवास, छोटे नगर से बड़े नगरों की तरफ, बड़े नगरों से और बड़े नगरों की तरफ लोग प्रभावित होते हैं, यानी कस्बा, टाउन से नगर, नगर से उपनगर, उपनगर से महानगर वगैरह वगैरह ऐसे प्रभावित होते हैं। फिर इसी प्रकार से नगर के समीपवर्ती उपांत क्षेत्र, जिसको हम एडजॉइनिंग एरियाज ऑफ सिटीज़ बोलते हैं, जो कि रूरल एरियाज़ हैं, और वर्तमान में जो इस सेंचुरी के अंदर जो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है वो अब सब एरियाज़ में हो रहा है, एडजॉइनिंग एरियाज़ ऑफ द सिटीज़ या रूरल एरियाज़ में हो रहा है। तो यहाँ पर मकान सस्ते हैं, खुली भूमि है, खुला वातावरण है, सैग्नेशन ऑफ वाटर या स्लम बस्तियों का, ये सब समस्याओं से आदमी बच के रहता है स्वस्थ जीवन जीने की कला के लिए। इसी प्रकार से अंतर प्रवासी प्रकार इंटर रिलेटेड माइग्रेशन है, जिसमें आदमी एक व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र से नगर में जाकर के बस जाता है और अपने आश्रितों को, अपने लोगों को, अपनी फैमिली के अन्य मेंबरों को अपने पास बुला लेता है। तो इस प्रकार से वर्तमान समय में जो खेती का कार्य है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, क्योंकि सारे लोग एक पढ़ा लिखा अपने सारी सुविधाओं के कारण, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, व्यापार, मनोरंजन, सारी सुविधाओं के कारण वो अपने गांवों को छोड़कर इंटर रिलेटेड माइग्रेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो आंतरिक प्रवास के इस प्रकार से बच्चों, ये छह कारक हुए। पहला अंतर्राज्यीय बताया मैंने आपको, इंटर स्टेट माइग्रेशन। दूसरा ग्राम से ग्राम, माइग्रेशन फ्रॉम रूरल टू रूरल एरिया। फिर तीसरा ग्राम से नगर को प्रवास, माइग्रेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया। चौथा नगर से नगर को प्रवास, माइग्रेशन फ्रॉम अर्बन टू अर्बन एरिया। और पाँचवा नगर से समीपवर्ती उपांत क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों का प्रवास, यानी माइग्रेशन फ्रॉम अर्बन टू एडजॉइनिंग रूरल एरियाज। और छठा अंतर संबंधित प्रवास। तो ये इस प्रकार से बच्चों आज हमारा एक आंतरिक माइग्रेशन का टॉपिक, सब टॉपिक खत्म हुआ। थैंक यू सो मच बच्चों, गुड डे।